भाई पहुंच गए। हा। भाई व्यू देखो, व्यू भाई, बारिश पड़ रही है भाई, पहुंच गए फाइनली। बारिश पड़ रही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस टाइम, बिल्कुल शांत। मैंने तो ना वो निकाल लिया, जैकेट निकाल ली अपनी। भाई गुरु ठंड भी हो रखी है बहुत ज़्यादा। हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत ठंडी हवा, मतलब बता नहीं सकते, बहुत ठंडी हवा। और ये मंदिर है, भाई ये मंदिर, बारिश पड़ रही है, जय माता दी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बने हुए हैं। यहाँ पे ना पहले कैंपिंग होती थी, बट क्योंकि लोगों ने बहुत गंद डालना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए अब कैंपिंग सब बंद। नो वॉशरूम्स, नो कैंपिंग, नो रहना जाना, कुछ भी नहीं, सब बंद। और अब मैंने क्या सोचा है, सुबह आएंगे मंदिर में, मत्था टेकेंगे। अभी क्या करना है, अभी हमने यहाँ से ऊपर जाना है और कैंपिंग की जगह देखनी है। भाई बारिश तो फिलहाल बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, अभी ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं फिर। हाँ थके भाई, सांस चढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 10,000 फुट पे है। हाँ आई लाइक इट, मज़ा आ गया, काफ़ी ज़्यादा है, स्टार्ट हो गई। भाई ठंड नहीं है, कान बिल्कुल बंद हो गए, सोच ही नहीं सकते, मतलब बोलिया भी नहीं जा रहा। एक तो हाइट भी है, ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़ा विंड नॉइज का पता लग ही जाएगा जब तुम वीडियो देखोगे ना। बाकी देखते हैं भी क्या बंद है। ये हवा चल रही है और ये दिख रहा है, ये देखो, ओए ओए। लोग कह रहे हैं यहाँ पे जानवर जूनवर का ना कोई चक्कर नहीं है, और जहाँ मर्जी आप रहो कोई चक्कर नहीं है। इधर देखो, दिख रहा है, ये देखो हीरो। तो मंदिर के दर्शन के बाद अब हम रूम ढूंढने जा रहे हैं। तो ये है गेस्ट हाउस, यहाँ पे दो ही गेस्ट हाउस हैं प्रेशर पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे रूम है या नहीं है, वहाँ पे जाके बात करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि रूम मिलेगा या नहीं। तो वही बात हुई जिस चीज़ का डर था, तो रूम भाई सारे बुकड हैं। तो हमने यहाँ के ओनर से बात करी, तो उसने हमें यहाँ पे टेंट लगाने के लिए बोल दिया कि आप यहाँ पे टेंट लगा लो। अभी हमने लाइटें लगा रखी हैं और अब हम टेंट लगाने जा रहे हैं। बारिश में, बारिश आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे पूरी फुल फ्लेज बारिश हो रही है।
बड़ी मुश्किलों के बाद अल्टीमेट हाँ यही निकाल रहा हूँ मैं अभी तो और सेटिंग होगी। लो जी कॉफी आ गई है, अपना कैंपिंग हो रही है अपनी टेंट में और कपड़े पूरे फुल ऑन गिल्ले। अभी दिखाता हूँ, लगा भाई लाइट लगा दे भाई। अरे कॉफी शॉफी स्लीपिंग बैग बहुत ठंड है और कपड़ा अपना सामान अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तेरे, तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है भाई तू यहाँ पे। कहती घूमी घूमी करने आई हूँ मैं भी। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है। कल यार हम यहाँ पे टेंट लगा के सोए थे और टेंट लगाते लगाते ना हमारी ना होगी, वीडियो दिखाएंगे, ये सेकंड पार्ट बन रहा है हमारा। यहीं पे हमने गाड़ी लगा ली थी और यहीं पे हमने टेंट लगा लिया था और फिर रात को बारिश नहीं रुकी, 20 मिनट से ऊपर लग गए थे हमें टेंट सेटअप करते करते। और बस अब सो के उठे और अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम प्राशर लेक मंदिर मत्था टेकने, वहाँ से मत्था टेक के फिर पैकिंग करके और हम निकलेंगे फिर घर को चंडीगढ़ को। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सारा यहाँ से, ये देख लो एक्सरसाइज, ये निक्कर में ही होता है भाई, हवा चल रही है फुल ऑन, मौसम अच्छा है, 7-8 डिग्री होगी। एक वो भी है ऊपर भी है, ये देखो गंद नहीं डाला जो मेन चीज होती है, हम कुछ खाने के लिए लेके ही नहीं आए फजूल की चीजें। कहीं यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो जाओ भी ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी बिल्कुल जाएगी, हमने नीचे लगा दी कल हम यहाँ से ऊपर ले गए थे, बट ऊपर ना काफ़ी टूटी फूटी रोड है और फिर हमने यही सोचा फिर ऊपर लगाएंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, नीचे ही गाड़ी लगा देते हैं। सो हमने गाड़ी वो लगा दी, रास्ता क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी टाइट था रास्ता ये ना,
भूल गए ठीक है। कल देखा था मौसम क्या खतरनाक मौसम हुआ था, और आज देखो लोग कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं। वही है, कल इधर ही था, भाई दुनिया देखो कितनी आ रखी है, कल तो इधर ही था। थोड़ा सा हिला होगा मनु, वीडियो बताएगी वो तो। भाई टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो सहन लायक है। रात को तो बैंड बज हुई थी अच्छे वाली, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रात को। तो ये है मंदिर, क्या फीलिंग है भाई, लकड़ का बना हुआ सारे का सारा। वाह माता का है, एक लाइन में लगे हुए हैं। ये ना फ्लोट करता है, इसको फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं। ये साल में ना इस लेक की ना पूरा चक्कर लगाता है, और यही है यहाँ की खासियत। बाकी देखो कितना टूरिस्ट आ रखा है। पता कोई नहीं, मतलब कि है ना, गया नहीं कोई भी ना, कोई गया नहीं है, होगी दलदल तो है काफी, मतलब जब जाती है ना झील। हाँ जी हाँ जी। तो मच्छी मरती नहीं है। अच्छा मरती नहीं है, नहीं मरती, जीवित रहती है। अच्छा, तो तब समझते हैं वो मच्छी नीचे गिरी जाती है। हाँ 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 हाँ। तो तब मच्छी जीवित रहती है। ठीक है, हाँ जी, चलो थैंक यू जी। बदल देखो कितने साफ है, ऊपर लग रहा है ना कितना सोना लग रहा है, मजेदार। वो देखो कहाँ कहाँ जनता चढ़ी हुई है। फाइनली हुण आपां चले घरे वापस, मंदर नूं करके मत्था टेक के, ते हुण आपां नूं इत्थों 8-8.5 घंटे लग जाने, क्योंकि भीड़ बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं श्रद्धालु मत्था टेकन, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम काफ़ी क्लियर है, रात में अच्छी ठंड सी। काफी लोग आए हुए हैं, ये इसने रास्ता खोद दिया सारा। हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, देखते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसके आगे। और उधर से बस आ गई, बस वाला वापस, एक और बस आ गई।
सो फाइनली हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ की तरफ को, प्रेशर को कर रहे हैं हम टाटा बाय बाय। प्रेशर में हमने बहुत इन्जॉय किया, मौसम बहुत बढ़िया था, बारिश भी थी, बारिश भी देख ली, बादल भी देख लिए और एक प्लेजेंट सा मौसम भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कि आपको हमारी इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को अगली वीडियोज़ को और बेटर बनाने की कोशिश करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।